नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज मैं झारखंड के उन छात्रों के बारे में बात करने वाला हूं जो 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आने वाला है। करीब करीब देखा जाए तो 2 से 3 महीने के समय आपके लिए बचे हुए हैं, तो मैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। सरकार के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी कर कहा गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा झारखंड के, कि इस बार जो है बहुविकल्पी प्रश्न के पत्रों की संख्या जो है में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, यानी करीब करीब 30% प्रश्न पत्र जो है एक अंक वाले होंगे, ऐसा स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है। जो विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो सभी जो है अपना कमर कस लें ताकि आप परीक्षा में अच्छा से मार्क्स ला सके, और आपको जितना अपना स्तर से जो भी पढ़ाई करना हो आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें, चाहे आपके पास जो भी संसाधन हो, क्योंकि आप संभावना बहुत कम ही है कि स्कूल खुलेगा या स्कूल में कंटिन्यूअसली पढ़ाई होगी। किंतु देखा जाए तो कोरोना की स्थिति झारखंड में बहुत अच्छी है, तो जनवरी या फरवरी में तो स्कूल जरूर खोला जाएगा, तो उसमें कुछ स्पेशल क्लास करवाई जाएगी झारखंड सरकार की तरफ से। तो मैं सभी विद्यार्थियों को उसके लिए शुभकामना देता हूँ कि अभी से वो तैयारी करें ताकि वो अपना मार्क्स जो है उनका एम्बिशन जो है वो उनका पूरा हो सके, क्योंकि अब समय नहीं बदला है और लगातार जो है 17 मार्च के आसपास देखा जाए तो स्कूल बंद है से बंद है, और अभी तक से कोई खुलने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखी जा रही है, क्योंकि कोरोना का स्थिति जो है में काफ़ी जो है सरकार को डरा के रखा है हम सभी को। तो और कुछ मैं विस्तार से और बता दूँ आपको कि सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में कितना परसेंट की कटौती की गई है। तो देखा जाए तो 40% की कटौती मुख्य रूप से की गई है। कल या 2 दिन पहले ही जो है झारखंड अकेडमिक काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अध्यक्ष हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट जारी कर कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के कारण 17 मार्च से विद्यालय बंद है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में 40% की कटौती की है। पाठ्यक्रम में कटौती के बाद अब प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव का प्रारूप भी फाइनल कर दिया गया है। यानी देखा जाए तो मोटे तौर पे कि 100 मार्क्स का साइंस होता है या मैथ होता है, इंग्लिश होता है, तो उसमें अब 60 मार्क्स का एग्जाम पूछा जाएगा। उसके बावजूद भी जो 1 मार्क्स का जो विकल्प होता था, मान चलिए साइंस में 15 होते थे, तो उसमें अब क्या होंगे 60 में से जो है 30%, यानी 18 मार्क्स के जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या है झारखंड बोर्ड अकाडमी के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसको गठन कब किया गया था, उसके बारे में मैं विस्तार से बता दूं आपको कि आगे बढ़ते हुए कि इसका गठन जो है इसका फॉर्म 7 फरवरी 2003 को किया गया, 17 साल पहले लगभग करीब, और इसका ज्यूरिडिक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है। इसकी हेडक्वार्टर जो है ज्ञानदीप कैंपस नामकुम रांची में इसका मुख्यालय है झारखंड अकेडमी काउंसिल का। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं चेयरमैन जो है डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह, और इसके वाइस चेयरमैन शंकर लाल महित कुमार सिंह जो है इसके सेक्रेटरी हैं। इसका वेबसाइट जो है jack.government.in के आप जेक में जा करके आप इससे तमाम तरह की जानकारियां ले सकते हैं, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड का हो, 12 का हो, या आपको और तरह का पुराने पिछले क्वेश्चन पेपर लेना हो, मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में जानना हो, या और कोई तरह का जानकारी लेना हो, तो आप इस वेबसाइट से आप जाके जुड़ करके इसमें जा करके आप तमाम तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। तो झारखंड सरकार ने प्रश्न पत्र का पैटर्न भी बदलने की तैयारी कर रही है। विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप जो है मैट्रिक में भी और इंटर में भी काफी बहुविकल्पी प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। एक अंक के प्रश्न पत्र के बारे में बता दूं कि झारखंड अकेडमिक काउंसिल के प्रस्ताव के अनुरूप मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय रिक्त स्थान भरे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी एक अंक वाले प्रश्न में अधिकतर बहुविकल्पीय होंगे, जबकि कुछ प्रश्न रिक्त स्थान भरे और कुछ प्रश्नों का जवाब परीक्षार्थियों को एक वाक्य में देने के लिए कहा जाएगा। तो एक साफ तौर पे आपको इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप जो है इस कभी ऐसा मतलब मौका किसी को नहीं मिला था कि इतना कम जो है सिलेबस कम कर दिया जाएगा, यानी 40% कम कर दिया गया है। तो आप इस बार इस गोल्डन चांस को एक अवसर के रूप में देखें और अपना बेस्ट से बेस्ट दे ताकि आप 99-90 से प्लस कर सको, और आकांक्षा की किसी सरकार की जो चल रही है आकांक्षा पॉलिसी उसमें आप क्वालिफाई करो। उसमें 100-150 स्टूडेंट्स को मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए तैयारी की जाती है, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आकांक्षा का तैयारी भी कर सकते हो। देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बार आपको मिल रही है।
तो ये कभी कभी मिलती है, आप लोग सब खुशकिस्मती हो कि आपको इस बार दिया जा रहा है, तो मात्र 60% आपका जो है सिलेबस रह गया है, तो आप आसानी से इसमें यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% की कटौती की गई है। तो उसके बारे में विस्तार से तो नहीं मैं बता सकूंगा, लेकिन हाँ ये तो कन्फर्म है कि कौन कौन सा लेसन नहीं किया गया, ये तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हाँ 40% की जो है पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। दिसंबर तक मॉडल प्रश्न पत्र जो है झारखंड सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। पहले भी स्टेट में आया कि छठ के बाद कर दिया जाएगा, किंतु काफी लेट होने के बाद फिर से एक और मीटिंग की गई जैक सभागार में, और उसमें बताया गया कि बैठक में प्रश्न पत्र के पैटर्न के बदलाव पर सहमति बनी। कोविड-19 को देखते हुए प्रश्न पत्र की को और अधिक स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने का निर्णय लिया गया, यानी स्टूडेंट अब आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। साथ ही बदलते हुए प्रश्न पत्र पैटर्न का रूप जैक द्वारा दिसंबर के अंत तक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। जैक की वेबसाइट व शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराया जाए, तो देखा जाए कि झारखंड सरकार अपना खुद का ऐप बना रही है, उस पे उस ऐप से आप जुड़ सकते हो। मैं जल्दी उसका लिंक भी दे दूंगा एक नए वीडियो के साथ। तो इस ऐप में आप मॉडल प्रश्न पत्र नए जो है झारखंड सरकार के द्वारा जो बनाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा उसको आप देख सकते हो। अधिकतम 15% प्रश्न पत्र होते थे। मौजूदा वक्त में मैट्रिक व इंटर बोर्ड की परीक्षा में विभिन्न विषयों में अधिकतम 15% प्रश्न एक अंक के पूछे जाते थे, और कुछ विषयों में एक अंक वाले प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम होती थी, किंतु इस बार कोविड-19 को देखते हुए बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें से देखा जाए तो 18 या 30% बढ़ाई गई है, 40% बढ़ाई गई है, 40% तो कम की गई है, 30% जो है विकल्पीय प्रश्न पूछे जाए, यानी कभी कभी देखा जाए तो एक लेसन एक सब्जेक्ट से 18 को सवाल यानी 18 मार्क्स का सवाल एक एक नंबर का पूछा जाएगा। तो एक तरह का बहुत ही जो है अच्छा सरकार ने एक नई नीति जो लाई है, नया जो रास्ता निकाला है, क्योंकि कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं है, काफ़ी वो दूर निकल चुके हैं, तो फिर से उनमें एक आशा लगी है कि नहीं हमको परीक्षा निकालना है, मैट्रिक में कम से कम पास तो होना है। जो बच्चे लगातार परीक्षा के लिए तत्पर हैं, उनके माँ बाप जागरूक हैं, तो उनके बच्चे का तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन झारखंड में बहुत ही स्थिति ऐसा नहीं है कि सही बच्चे जागरूक होते हैं परीक्षा के खास के मामले में, तो ऐसा बहुत सारे केस देखने को मिलेगा। तो मैं आगे कुछ एक इम्पोर्टेंट बारे में बात कर रहा हूँ कि सरकार जो है 5 स्टार कुछ स्कूलों को दिलाएगी। तो 5 स्टार क्या है उसके बारे में बता दूँ कि राज्य के 5,000 स्कूलों को स्वच्छता के मामले में अगले साल 5 स्टार का दर्जा दिलाने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है। वहीं 7,000 स्कूलों को 4 स्टार का दर्जा दिलाया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग और स्वच्छता विभाग के स्कूलों को संसाधन उपलब्ध कराएगी, जिससे वे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं बता दूँ कि विभिन्न स्टार की श्रेणी क्या है। 5 स्टार में जो है 90 से 100% जो स्कूल स्वच्छता रहेगा उसी को 5 स्टार दिया जाएगा। 4 स्टार जो है 75 से 89%, 3 स्टार जो है 51 से 74, 2 स्टार जो है 35 से 50, और 1 स्टार जो है 35% से नीचे अंक उनके रहेंगे स्वच्छता रैंकिंग स्वच्छता मार्क्स में। अप्रैल से फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की प्रक्रिया। इस साल 918 5 स्टार के लिए और 5,663 स्कूल के लिए स्कूल ने स्टार के लिए 5 स्टार के लिए आवेदन किया था। तो ये 2000 देखा जाए तो 20 का आंकड़ा है, लेकिन 2021 में जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार भी चाह रही है कि जो है वहाँ पे स्थिति सुधार हो और स्वच्छता को लेकर खास करके 2021 में जो है इस कार्यक्रम को जो है शैक्षणिक सत्र में लागू कर दिया जाए नए शैक्षणिक सत्र में, और स्कूल आगे 4 महीने में संसाधनों को बेहतर करेंगे। जरूरत पड़े तो विभाग की ओर से मतलब शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक मदद भी दी जाएगी। उसी के आधार पर स्कूल 1 स्टार से 5 स्टार तक कैटेगरी में आवेदन कर सकेंगे। इस साल राज्य स्तर में 119 स्कूलों का चयन भी किया गया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो एक बहुत ही झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी पहल देखी जा रही है। इससे क्या होगा कि स्वच्छता होगा, स्वच्छता से स्टूडेंट में एक पॉजिटिव थाट आएंगे, टीचर भी मन लगा के पढ़ाएंगे, बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ साफ सफाई है तो हमें अच्छे से पढ़ने चाहिए, उनके मन में कुछ मतलब काफ़ी इन्वायरमेंट में काफ़ी परिवर्तन आने वाला है आने वाले समय में। तो झारखंड सरकार एक अच्छी पहल के साथ अच्छे बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है, तो हम सभी झारखंड सरकार के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं जाते जाते सभी विद्यार्थियों को फिर से शुभकामनाएं दूंगा कि वो अपने परीक्षा का अच्छा से तैयारी करें, क्योंकि जल्द ही एग्जाम इसकी शुरुआत होने वाली है, ज़्यादा समय उनके पास नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।
एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।